بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من ناواهم اسلامي بھائیو عزیزو اور دوستو آئیے محترم فضیلت الشیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ و تعالی کے زبانی قادیانیت کی دوسری قسط ہم لوگ سماعت کرتے ہیں ایک قسط آج سے تقریباً ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے اس موضوع پر شیخ روشنی ڈال چکے ہیں آج شیخ کوشش یہ کریں گے کہ اس کی دوسری قسط آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں میں شیخ حفظہ اللہ و تعالی سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اس موضوع پر روشنی ڈالیں اس بات کی خبر دیتے ہوئے کہ شیخ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں آپ تشریف لائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون عقیدہ توحید وہ عظیم عقیدہ ہے اللہ کا تعارف اللہ کی وحدانیت کا اعلان وہ عظیم کام ہے جس کے لیے اللہ مالک نے انبیاء کا پورا سلسلہ بھیجا عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ کا صحیح فہم وہ بنیادی چیز ہے جس کی بنیاد پر حق اور باطل کو پہچانا جا سکتا آپ نے کسی گروہ کو دیکھنا ہے یہ حق پر ہے یا باطل پر ہے
ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का तआरुफ, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान, अकीदा तौहीद वो छलनी है कि इसको लगा कर देख लीजिए जो उन अकीदों पर है जिन अकीदों पर उम्मत को मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए वो हक पर है, और जो अल्लाह मालिक के बारे में वो अकीदे नहीं रखता जिन अकीदों की तालीम क़यामत तक आने वाली इंसानियत को अर्श वाले के कलाम से मदीने वाले के फरमान से मिलती है, तो ये गिरोह, ये जमात, ये पार्टी अहले हक में शामिल नहीं हो सकते, बल्कि ये बातिल है और ये गुमराह लोग हैं। उसकी वजह क्या है? आमाल की कबूलियत की बुनियादी शर्त अकीदा तौहीद है। अकीदा दुरुस्त है तो आमाल दुरुस्त हैं। अकीदे में खलल है, शिर्क उसके घर में बसेरा कर चुका है, अमल कबूल होते हैं मोमिन के, मुशरिक का कोई अमल कबूल नहीं होता। वो भले नमाज़ें पढ़े, उसका अखलाक बहुत अच्छा हो, उसके मामलात बहुत अच्छे हों, अगर वो मुशरिक है उसके सारे अकीदे बर्बाद हैं, उसके सारे अमाल बर्बाद हैं, उसका ठिकाना हमेशा की जहन्नम है। अहले ईमान की ये निशानी है कि वो अल्लाह मालिक को उसकी ज़ात व सिफ़ात व इबादत में तन्हा और यकता मानते हैं, ना उसकी ज़ात में किसी को शरीक करते हैं, ना उसकी सिफ़ात में किसी को शरीक करते हैं, ना उसकी इबादत के किसी भी हिस्से में किसी को हिस्सादार बनाते हैं, ना अल्लाह की तरफ अहले ईमान किसी कमज़ोरी को मंसूब करते हैं। मगर आइए देखिए उम्मत इस्लाम के मुकाबले पर उम्मत कादियान, कादियानी कोई फ़िरका नहीं है, कादियानी मुसलमानों में से निकला हुआ कोई गिरोह नहीं है, बल्कि कादियानी पूरी उम्मत है, जिस तरह मुहम्मद करीम के मानने वाले पूरी उम्मत है, ये उम्मत कादियान है। ये इस्लाम के 72 फ़िरक़ों में इसका शुमार नहीं है, बल्कि ये इस्लाम से अलग, इस्लाम के मुतवाजी, इस्लाम के मुकाबिल एक जमात है, एक उम्मत है, एक गिरोह है, जिस तरह हर नबी को मानने वाले उस नबी की उम्मत कहलाते हैं। अगर कोई यहूदी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ले आए तो वो यहूदियत का फ़िरका नहीं कहलाएगा, बल्कि वो ईसाई कहलाएगा। अगर कोई ईसाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमानों में शामिल हो जाए तो वो ईसाइत की एक शाख नहीं कहलाएगी, बल्कि वो उम्मत इस्लाम का फ़र्द कहलाएगा। इसी तरह मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी मानने वाले वो इस्लाम का या मुहम्मद करीम की उम्मत का गिरोह नहीं है, बल्कि वो उम्मत इस्लाम की तरह मुस्तकिल नबी मुहम्मद करीम के मुकाबिल पर अपने मिर्ज़ा को नबी मानकर मुकाबिल पर पूरी उम्मत बन चुके हैं। ये उम्मत कादियान अल्लाह ताला के बारे में क्या कहते हैं, इनका क्या अकीदा है, आइए देखते हैं। मिर्ज़ा कहता है मुझे इल्हाम हुआ और इस इल्हाम में अल्लाह ने मुझे कहा मैं नमाज़ पढ़ूंगा, मैं रोज़ा रखूंगा, मैं जागता हूं, मैं सोता हूं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नमाज आबिद पढ़ता है अपने माबूद के लिए, रोज़ा इबादत है आबिद करता है माबूद के लिए। अल्लाह नमाज किसके लिए पढ़ता है, अल्लाह किसके सामने झुकता है, अल्लाह किसके लिए रोज़ा रखता है? कहा अल्लाह ने कहा मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं रोज़ा रखता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं सोता हूँ। ये है उम्मत कादियान का अकीदा अल्लाह के बारे में। आइए अल्लाह के सच्चे कलाम से, ये तो मिर्ज़ा को झूठा इल्हाम हुआ, अल्लाह ने जो अपना सच्चा कलाम अपने सच्चे रसूल मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, अल्लाह के सच्चे कलाम से पूछते हैं क्या सोने की कमज़ोरी जो इंसानों के अंदर मखलूक़ात के अंदर है, क्या इसकी नस्बत अल्लाह की तरफ करना जायज़ है? अल्लाह की किताब हमें खबर देती है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु
अल्लाह के अलावा, उस सच्चे इलाह के अलावा, उस सच्चे हाजत रवा के अलावा कोई मअबूद बरहक नहीं। हुवल हय्युल कय्यूम, वो जिंदा है, वो कय्यूम है। ला तअखुज़ुहू, उसको नहीं पकड़ती, उसको नहीं आती ना ऊंग ना नींद। ऊंग और नींद ये कमज़ोरियाँ हैं और अल्लाह इन तमाम कमज़ोरियों से पाक है। अल्लाह को ऊंग नहीं आती, अल्लाह को नींद नहीं आती। मिर्ज़ा कहता है अल्लाह ने इल्हाम करके मुझे बताया कि मैं जागता भी हूँ, मैं सोता भी हूँ। ये उस रब का तारुफ नहीं है जिस रब का तारुफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने करवाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी का नाम आए तो प्यार से कहा करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उस रब की वहदानियत का ऐलान नहीं है, ये रब के बारे में वो ईमान नहीं है जो हमें मदीने वाली हस्ती मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गई। अल्लाह कमज़ोरियों से पाक है। सही मुस्लिम में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह ला यनामु वला यंबगी लहू अन यनाम, अल्लाह नहीं सोता और ना ये सोना अल्लाह की शान के लायक है। ना अल्लाह सोता है ना सोना अल्लाह की शान के लायक है। अहले शिर्क और अहले कुफर दो ही राहों के राही हैं, या तो अल्लाह की तरफ कमज़ोरियों की निस्बत करते हैं जैसे मिर्ज़ा ने किया, और या अल्लाह की सच्ची सिफात को छीनकर अपने पीरों फकीरों बाबों हजरतों में बांट देते हैं। अब ना सोना शान के खिलाफ होना, नींद अल्लाह की शान के खिलाफ होना, यह खासा है अल्लाह का। कुरान और हदीस के दलाइल से यह बात वादे हुई कि अल्लाह ताला ना सोता है ना उसके लायक है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु वर्दा की पूजा करने वाली पार्टी, उन्होंने ये सिफ्त हजरत अली को दे दी। एक जाकिर कहता है हिजरत की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना अली कहने लगे अल्लाह के नबी आप जाइए, मैं जानूँ आपके घर के अंदर मौजूद हूँ, मक्का जाने, कुरान जाने, उम्मत जाने, काबा जाने, मुझे सोने का आप क्यों कहते हैं, मैं तो कभी सोता नहीं हूँ। नऊज़ु बिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लम ने कहा अली अगर तू पहले कभी सोया होता आज मैं तुझे सोने का कहता भी ना। अली ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज क्यों मेरे सोने पर आप इतना जोर दे रहे। कहा नहीं मैं तो नहीं दे रहा, मुझे तो कोई मतलब नहीं है, तू सो या ना सो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, सोने का जोर मेरी तरफ से नहीं है अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह कहता है आज अली को सुलाओ। अली ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह इतना जोर क्यों दे रहा है। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह नखले कुफर कुफर नबाशिद। अल्लाह के नबी ने कहा अली अल्लाह कहता है अली को सुलाओ, अगर अली नहीं सोता मेरी तौहीद को खतरा है। अली ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तौहीद को क्या खतरा है। कहा अल्लाह नहीं सोता, अली भी नहीं सोता, अल्लाह लोगों को यकीन हो जाएगा ये वही अल्लाह है, ना उसे नींद आती है ना इसे नींद आती है। एक रात हिजरत की अली को बिस्तर मोहम्मद पे सुला दो ताकि फ़र्क हो जाए, वो अल्लाह वो ज़ात है जो कभी नहीं सोया, अली वो ज़ात है जो कभी नहीं सोया सिवाए हिजरत की रात के। हिजरत दी रात रसूल पाक फरमाते हैं या अली जी मौला आज मेरे बिस्तर से समझा, मौला मैं तो कभी सुता ही नहीं, जे अगे सुता होता आज मैं समझदा भी ना, तो मौला आज क्यों जोर देंदे हो समवाज मेरे रुकन ही थोड़ा मकसद हल है। मैं घर छोआ किसी की मजाल नहीं, कोई नेड़ों लंघ जाए तो सा जाना है बेशक जाओ अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हिस्सो अमान च मैं जाना, घर जाने, कुनबा जाने, बिरादरी जाने, शहर जाने, काबा जाने, कुरान जाने, जहान जाने। तो सजाओ समय दे क्यों
आवाज आई है, मेरा वीर मैनू तेरी कसम मैं ते नहीं समझदा, बेशक चुप करके प्यारा है मगर अल्लाह जोर प्यार देंदा है आज समा दे। जे अली ना सुत्ता मेरी खुदाई नू खतरा, अगर सौ जाए मेरी तौहीद भी बचती है ते मुहम्मद दी नबुव्वत भी बचती है। जिस दी ईद एक नींद, बड़ी तवज्जो, जिस दी एक रात दी नींद तहफ्फुज़े नबुव्वत हो तौहीद करे उस नू आहदन अली। जन्म अदब नाल प्यारे मैं एक फिकरा सुनाई वजा, चलो लुत्फ से उठा ही लसन जेडे पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत बड़े मुर्शिद का लिखा हुआ जुमला है। मैं आम मामूली बंदे के फिक्रे नहीं कभी इस्तेमाल किए। उन्हें आख्या रसूल अल्लाह ने फरमाया या अली सौ जा, अल्लाह प्यादा है समा। अली मौला हस के आ जाने, अल्लाह इतना क्यों जोर देता है समण से? आधा मेरी तौहीद नू खतरा, कैसा खतरा? रसूल पाक मुस्करा के आ जाने, या अली तू भी जानना है कुरान तारीफ है अल्लाह दी, ला ता खुजहु सिनातम वला नौम, अल्लाह ओ है ना कदी ऊ गया है ना कदी सुता है। जागना है जागना है जज बैठे हो, अल्लाह ओ है उसकी तारीफ है, अल्लाह उस नू आदन जेड़ा ना ऊगे ना समे कदी ना समे, तू भी ना कदी समे आए ना कदी ऊगे आए, लोगों नू पक हो वैसी अली अल्लाह है। अज सौखे दस दे अली अलग अल्लाह अलग, जेड़ा कदी नहीं सुता हो अल्लाह है, जेड़ा हिजरत दी राह सौ गया हो अली है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये जालिम, ये अहले कुफर, ये अहले शिर्क या तो अल्लाह की तरफ कमजोरियों की निस्बत करते हैं या अल्लाह की सिफात को लेकर अपने बुजुर्गों में, अपने इलाहों में, अपने माबूदों में, अपने बाबों के अंदर तकसीम कर देते हैं। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब, ये तज़किरा हमारे हाथ में है, इसके सफ़ा 653 पे कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझे कहा, इन्नी माल अफवाजी आती का बगता, मैं फौजों के साथ अचानक नागहानी तौर पे आ जाऊंगा। इन्नी माल रसूल उजीब, मैं रसूल के साथ होकर जवाब दूंगा। अपनी नबूवत पे दलील देते हुए इल्हाम जिक्र करता है कि अल्लाह ने वही करके मुझे कहा कि मैं अपने रसूल के साथ होकर जवाब दूंगा। उख्ती व उसीब, मैं खता भी करूंगा और भलाई भी करूंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अल्लाह की तरफ खता की निस्बत करना ये कुफर है। ये वो अल्लाह का तारुफ नहीं है जो सच्चे रसूल ने अपनी सच्ची उम्मत को बयान करके सुनाकर कुरान की आयात पढ़ के याद करवाया था। ये तुम्हारा अल्लाह होगा जो भूलता है, जो अहले ईमान का रब है वो भूलता नहीं है। आइए रब के सच्चे कलाम से पूछते हैं, मिर्जा झूठ बोलता है या सच कहता है? सूरत मरियम आयत नंबर 64, फरिश्ते ऐलान करते हैं, वमा नतनज़लु इल्ला बिअम्र रब्बिक लहू मा बैन अयदीना वमा खल्फना वमा बैन ज़ालिक वमा कान रब्बुका नसिया। और हम आपके रब के हुक्म के बगैर नहीं आ सकते, इसी की मिल्कियत में है हमारे आगे की और पीछे की तमाम चीज़ें और जो उसके दरमियान है, और आपका रब भूलने वाला। ए उम्मते कादियान, जिस रब पर तुम ईमान लाए हो और जिस रब के बारे में तुम अकीदा रखते हो कि वो भूलता है, वो तुम्हारा रब होगा, वो सच्चा इलाह नहीं है। जिस सच्चे रब का तारुफ हमें मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया, उसके बारे में कुरान की आयात आवाज लगा रही है, ऐलान कर रही है, वमा काना रब्बुक नसिया, कि तुम्हारा रब भूलता, रब नहीं भूलता। दूसरे मकाम पे गौर करते हैं, सूरत ताहा है, आयत नंबर 52 है, قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى। कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कि इनका इलम मेरे रब के यहाँ किताब में मौजूद है, ना तो मेरा रब गलती करता है ना मेरा रब भूलता है। तुम कहते हो कि अल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, गलती भी करता है, अल्लाह भूलता भी है, सही भी करता है, गलत भी करता है। ऐसे रब पर हम ईमान नहीं लाते, ऐसे रब को अपना इलाह नहीं मानते।
जिस तरह तुम्हारा नबी झूठा, ऐसे ही जिस रब का तारुफ तुम्हारे तुम्हें झूठे नबी ने करवाया, वो रब की ये सिफात उस सच्चे रब की सिफात नहीं हो सकती। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद मालिकी तौहीन करते हुए एक और मकाम पे लिखता है, हम तखय्युलाती तौर पे फ़र्ज़ कर सकते हैं। मिर्ज़ा कहता है कि क़य्यूमुल आलमीन एक ऐसा वजूद आज़म है जिसके बेशुमार हाथ, बेशुमार पैर और हर एक उज़्व इस कसरत से है कि तादाद से खारिज और ला इंतहा अर्ज़ो तूल रखता है। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, तेंदुए की तरह इस वजूद आज़म की तारे जो सफ़ा हस्ती के तमाम किनारों तक फैल रही हैं और कशिश का काम दे रही हैं। अल्लाह के बारे में ये तसव्वुर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अपनी उम्मत को दे रहा है, उम्मत क़ादियान में फैला रहा है कि अल्लाह ताला उसका तसव्वुर अपने जहन में ऐसा रखो कि वो बहुत बड़े वजूद का मालिक है, उसका हर हर उज़्व बहुत ज़्यादा है, हाथ भी बहुत हैं, कदम भी बहुत हैं, उसके आवाज़ पूरी दुनिया पर फैले हुए हैं और वो पूरी दुनिया पे हर हर उज़्व हर हर जगह पर पहुंचकर अपनी कशिश का काम कर रहा है। अहले ईमान का रब, एक बकरियां चराने वाली को लाया गया, मुस्तफ़ा अलैहिस सलाम से कहा गया इसका ईमान ली, इसका सवाल कीजिए ईमान का, ये मोमिना है या नहीं। प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम ने सवाल किया, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। वो बकरियां चराने वाली अपनी उंगली को आसमान की तरफ बुलंद करके कहती है, रहमान अपने अरश पे है। कहा, मैं कौन हूँ? कहा, उस सच्चे रब का भेजा हुआ सच्चा रसूल है। फरमाया, इसको आज़ाद कर दो, ये मोमिना है। अल्लाह अपने अरश पर है, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अपने अरश पर मुस्तवी है। अरश पे होते हुए अल्लाह पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है। अल्लाह अरश पे है कैसे? जैसे अल्लाह की शान के लायक है। यही तमाम उम्मत मुहम्मद करीम का ईमान और अकीदा है। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह, उनसे सवाल करने वाला सवाल करता है अल्लाह के अरश पर होने के बारे में, तो इमाम मालिक रहिमहुल्लाह कहते हैं, अल्लाह का अरश पे होना मालूम है, अल्लाह का अरश पे होना मालूम है, उसकी कैफियत मजहूल है, हमें नहीं पता वो अरश पे कैसे।